पिछले कुछ महीनों से विश्व की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। इसके दो कारण हैं। एक तो पिछले 9 महीने से जारी रूस यूक्रेन के बीच जंग और दूसरा चीन ताइवान टेंशन। वैसे तो इसका असर पूरी दुनिया पर है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वो है अमेरिका। ऐसे में दुनिया की 75% आबादी का नेतृत्व करने वाले G20 समूह की बैठक काफी अहम होने वाली है, जो कि 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में होने जा रही है। वैसे तो पूरे समिट पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं, लेकिन इसमें सबसे खास है बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात, क्योंकि मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने जो बात कही है उसके कई मायने हैं, खासकर एशिया के लिहाज से। दरअसल बाइडेन के ऑफिस यानी व्हाइट हाउस ने आज एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि बाइडेन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दोबारा बातचीत शुरू करना चाहते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब जो बाइडेन ने शी जिनपिंग से बातचीत करने की पेशकश की है। ऐसा पहले करीब 5 बार हो चुका है। हाल ही में 28 जुलाई को बाइडेन और जिनपिंग के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इस बैठक में भी बाइडेन ने चीन के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई थी। अब आपको समझाते हैं कि इसकी वजह क्या है। दरअसल वैश्विक राजनीति में तेजी से बढ़ते चीन के कद को लेकर अमेरिका काफी समय से परेशान है। चीन पर दबाव बनाए रखने के लिए अमेरिका बीच बीच में ताइवान के साथ खड़े रहने का दावा करता है, और यही बात चीन को नागवार गुजरती है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात शुरू होते ही चीन बुरी तरह बौखला जाता है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद से ही चीन कई मोर्चों पर रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आया है। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश रूस के साथ अपना व्यापार जारी रखे, लेकिन भारत के साथ साथ चीन भी इस बात पर अमेरिका से सहमत नहीं है। इन दो मुद्दों के अलावा हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र के दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में दबदबे को लेकर भी दोनों देशों में टेंशन बनी हुई है। चीन इस इलाके पर एकाधिकार चाहता है, जबकि अमेरिका, भारत समेत ज्यादातर देश इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार के पक्ष में है। अब इन सब बातों के बीच जब बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात हो रही है तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि भारत के लिए कई मायनों में बेहद जरूरी है, राजनीतिक तौर पर भी और कूटनीति के नजरिए से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, US प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई वर्ल्ड लीडर इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। समिट से पहले कई देश बायलैटरल यानी द्विपक्षीय मीटिंग भी करने जा रहे हैं, और इसी दौरान पीएम मोदी और बाइडेन की भी मुलाकात होनी है। इस खबर से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।